अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को स्पोर्ट्स एंड नॉलेज वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों इस्लामी मालूमात के साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आज का पहला सवाल, बताइए अशरा मुबशरा में कुल कितने सहाबी शामिल हैं? ऑप्शन ए आपके पास है जी 7, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 10, जबकि ऑप्शन डी में है 11। जवाब है जी अशरा मुबशरा में 10 सहाबी थे, ऑप्शन सी इसका जवाब है। अगला सवाल, बताइए तमाम मखलूक में अल्लाह ताला की पसंदीदा मखलूक कौन सी है? ऑप्शन ए जिन्नात, ऑप्शन बी फरिश्ते, ऑप्शन सी जानवर या ऑप्शन डी इंसान। जवाब है जी ऑप्शन डी इंसान। अगला सवाल, बताइए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान की कितनी आयात में आया? ऑप्शन ए 3 आयात में, ऑप्शन बी 5 आयात में, ऑप्शन सी 7 आयात में या ऑप्शन डी 4 आयात में। जवाब है जी ऑप्शन डी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जिक्र 4 आयात में आया है। अगला सवाल, बताइए वो कौन सा गुनाह है जिसकी दुनिया और आखिरत दोनों में सज़ा मिलती है? ऑप्शन ए नशा करना, ऑप्शन बी जुल्म करना, ऑप्शन सी धोखा देना या ऑप्शन डी चोरी करना। जवाब है जी ऑप्शन बी, जो जुल्म करता है उसे दुनिया और आखिरत दोनों में सज़ा मिलती है। अगला सवाल, बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कौन सी सब्ज़ी पसंद फरमाते थे? ऑप्शन ए भिंडी, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी कद्दू या ऑप्शन डी आलू। जवाब है जी ऑप्शन सी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कद्दू पसंद करते थे। अगला सवाल, बताइए इंसानों पर सबसे पहले कौन सी इबादत फ़र्ज़ हुई थी? ऑप्शन ए हज, ऑप्शन बी रोज़ा, ऑप्शन सी ज़कात या ऑप्शन डी में है नमाज। जवाब है जी ऑप्शन डी, इंसानों पर सबसे पहले नमाज फ़र्ज हुई थी। अगला सवाल, बताइए किसको राज़ी करने से औरत सीधा जन्नत में जाएगी? ऑप्शन ए भाई को, ऑप्शन बी शोहर को, ऑप्शन सी माँ को या ऑप्शन डी बाप को। दोस्तों जवाब है जी ऑप्शन बी, शोहर को राज़ी करने से औरत सीधा जन्नत में जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा।